वैसे तो यार ओडिया इंडस्ट्री की माल्यागिरी यानी बाबूसान महांती की न्यू मूवी माल्यागिरी बहुत ज्यादा कमा रही बोला तो जा रहा है, पर आखिर कितना कमा रही है ये मूवी ये शायद आपने भी जानने की कोशिश की होगी पर आपको पता चल नहीं पाई होगी। मैंने भी बहुत सारी जगहों पे चेक किया, मेरे को भी नहीं मिला, पर मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल चेक किया, उसमें मेरे को मिला कुछ अपडेट्स वगैरह, जिसके हिसाब से आज मैं आपको बताऊंगा कि माल्यागिरी क्या कमा रही और कितने कमा रही। और तो हे, मेरा नाम है प्रवीण और मूवी स्टोरेज को रिकमेंडेशन आप सभी का स्वागत है। मैंने कुछ यूट्यूब चैनल चेक किया, उससे मुझे पता चला कि माल्यागिरी का जो डे 2 का कलेक्शन है जो कि 30 लाख के करीब माना जा रहा है, और जो फर्स्ट डे का जो कलेक्शन था 40 से 50 लाख माना जा रहा था। हाँ, आपको लग रहा होगा कि बॉक्स ऑफिस में थोड़ी गिरावट आई है, पर मैं ये बता दूं कि ये सारी फिल्मों के साथ होता है, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड हो। फर्स्ट डे ओपनिंग में बहुत ज्यादा कमाती है पैसा कोई भी फिल्म, बाकी उसके बाद थोड़ी गिरावट आती है। बाकी ये अच्छी बात होती है कि वीकेंड आते ही फिर से पकड़ लेती है वो, और ऐसे भी देखा जाए तो 70-80 लाख तो हो ही चुके हैं 2 दिन को मिलाकर। और देखा जाए तो डे 3 की अगर बात करें तो फिल्म करीब 36 लाख के करीब कमाई है बोल के तो बोला जा रहा है, और देखा जाए तो और शायद इसमें कमाई हो सके क्योंकि आज संडे भी तो है, तो संडे के हिसाब से आज माल्यागिरी की बॉक्स ऑफिस शायद बेटर हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि कम भी हो सकती है क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को मिक्स रिव्यूज ही मिल रहे हैं, जहां कोई बोल रहा है कि मूवी में सिर्फ सिनेमाटोग्राफी, स्लोमो और अमलान दास की एक्टिंग के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक ही है बस, और यहां तक कि कोई तो ये भी बोल रहा है कि बाबूसान ने बिल्कुल ही अच्छी एक्टिंग नहीं की है। ऐसा मेरा बोलना नहीं है, शायद हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया था इस मूवी से, और यही बात है उनको ये मूवी दमन जैसी वाइब नहीं दे पाई जैसे उन्होंने दमन में उनको एक्टिंग करते हुए देखा था। शायद इस मूवी की अगर बजट की अगर बात करें तो करीब 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, और देखा जाए तो इस मूवी ने सिर्फ अभी तक की 1 करोड़ के आसपास ही कमाई की है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये मूवी अपनी बजट को रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं? और हाँ, आपको अगर पता हो कि कौन सी वेबसाइट पे या फिर कौन से पेज पे ओडिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह आती है, अपडेट वगैरह आती है, तो हाँ मुझे भी बता देना क्योंकि यार काफी दिनों से मैं खोज रहा हूँ पर मिल ही नहीं रही, तो पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना जिससे मैं और भी जल्दी अपडेट्स वगैरह दे सकूं। और हाँ, और एक बात तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी, फिर मिलते हैं, जय जगन्नाथ।